सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे UBPCS 2019 के क्रैश कोर्स के अंदर। आज हमारा 17वां दिन है एंड टुडे वी ऑल्सो डिस्कस सम स्पेशल थिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश रिलेटेड स्कीम्स या मोदी जी की कोई विजिट हो और वहाँ पे कोई जिन्होंने इनॉग्रेट किया हो, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द उत्तर प्रदेश में जो भी स्कीम्स हैं, जो भी है उससे रिलेटेड है। लेट्स द पार्ट थ्री of this series and my name is Neet Kishore. So let's begin with our discussion. So as you can see here, the first is the visit of Prime Minister to Jhansi. So on 15th February, Prime Minister Narendra Modi visited to Jhansi in Uttar Pradesh and he inaugurated and laid foundation stone of various development projects. Pehla defense corridor ओपन करने की बात की जा रही है, मतलब फाउंडेशन स्टोन डाला गया है झांसी के अंदर। ओके, सेकंड इज जो और दो डिफेंस कॉरिडोर है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर है और एक तमिलनाडु के अंदर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस उत्तर प्रदेश सेगमेंट। नेक्स्ट इज पहाड़ी डैम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑन धासान रिवर। तो धासान रिवर जो है, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, बेतवा रिवर की, उसके ऊपर एक डैम इनॉग्रेट किया है when he was in Jhansi. Then next is visit to Varanasi. जब वाराणसी गए थे तब उन्होंने कुछ चीजें इनोग्रेट की थी। लेट्स सी व्हाट आर दीज। तो डीजल लोको इनटू ट्विन इलेक्ट्रिक वेगसी3 लोकोमोटिव, तो ये इनोग्रेट किया था कन्वर्ट करने का, मतलब डिजिटल लोकोमोटिव वर्क टू जस्ट 69 डेज टू कन्वर्ट टू दिस डीजल लोकोज इनटू अ ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑफ 10,000 HP। तो डेट इसको इनोग्रेट किया था कि 10,000 हॉर्स पावर का एट वाराणसी लोकोमोटिव ट्विन इंजन। फैक्चुअल चीज है, इसमें कुछ समझाना तो होता नहीं है। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय नाम से सुपर कंप्यूटर लॉन्च इनोग्रेट किया एट IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज सो होमी बाबा कैंसर सेंटर इन लहर तारा एंड मलावियस कैंसर हॉस्पिटल ऑन द नेम ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। दोनों ही कहाँ पे, लहर तारा में। सो नेक्स्ट इज जो एक्सटेंशन किया जा रहा है दिल्ली मेट्रो का गाजियाबाद दिशा गार्डन टू न्यू बस अड्डा इन गाजियाबाद, तो ये एक्सटेंशन है रेड लाइन का, इसको इनॉग्रेट किया, अप्रूव किया, मतलब इसके एक्सटेंशन को रेड लाइन के। नेक्स्ट इज गंगा एक्सप्रेसवे टू कनेक्ट प्रयागराज विद वेस्टर्न यूपी। तो वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा बिटवीन प्रयागराज, दैट इज अलाहाबाद अलिया नेम एंड मेरठ, और ये 600 किलोमीटर की लेंथ का होगा। वर्ल्ड में इससे लंबा एक्सप्रेसवे नहीं बना हुआ, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एक्सप्रेसवे। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए, बिटवीन द प्रयागराज टिल मेरठ। देन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी से स्टार्ट हो रहा है एंड ज्वाइन द आगरा एंड लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड टोटल लेंथ है इसकी 296.26 किलोमीटर और गंगा की कितनी है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट इज संस्कृत कुंभ कहाँ सेलिब्रेट किया गया, दैट इज इन प्रयागराज। और जो अगर बात करें डेट, तो डेट भी याद रखेंगे, 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 29 डेज कल्चरल एक्स्ट्रा वेगांजा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस संस्कृत कुंभ। तो इसी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ट्राई टू आंसर मी, एग्रीकल्चर कुंभ जो है, एग्रीकल्चर के लिए भी एक कुंभ स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट इज कुंभेला, तो प्रयागराज में चलो कुंभ चले, तो डेट आज स्लोगन यूज बाय डिवोटीज। पहली बार कुंभ मेले में ट्रांसजेंडर आश्रम भी होता है, हुआ है, मतलब इस बार, मतलब एक घराना अखाड़ा होता है वहां पे कुंभ मेला में, अखाड़े की ये अखाड़ा है। तो इसी तरीके से इस बार ट्रांसजेंडर का भी एक अखाड़ा था, ठीक है। द नेम क्या है, लेड बाय एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी फ्रॉम मुंबई। तो इन्होंने ये इस अखाड़े को लेड किया था, मतलब स्टार्ट, मतलब मेन
मेंबर थी इस अखाड़े की। तो बारह साल में एक बार आता है ये, सॉरी बारह ट्वाइस इन 12 ईयर्स, 12 साल में 2 बार आता है। और इस बार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने 4200 एलोकेट किए थे। ओके, बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं ऑलरेडी पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। थर्ड स्टेट टू अप्रूव कोटा फॉर पुअर अमंग अपर कास्ट। सो ये जो पुअर अमंग अपर कास्ट का जो कोटा दिया जा रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश ने थर्ड सिटी है, स्टेट है सॉरी, जिन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। डेट इज़ अ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सो जो ये अलग 10% का रिजर्वेशन की बात है, उसके लिए थर्ड है उत्तर प्रदेश। तो पहले, सबसे पहले गुजरात और झारखंड ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने ये लागू किया स्टेट के अंदर। ओके, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेंशन बढ़ा दी है यूपी गवर्नमेंट ने, ये अब दोबारा नहीं करेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इन आगरा एंड मथुरा, नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेंशन इन दैट। प्राइम मिनिस्टर विजिट टू आगरा, ये इंपॉर्टेंट है। गंगाजल प्रोजेक्ट उन्होंने डेडिकेट किया। इट प्रोवाइड आगरा विद बेटर एंड मोर एश्योर्ड वाटर सप्लाई एंड ब्रिंग 140 क्यूसिक्स ऑफ गंगा वाटर टू आगरा। तो डेट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी यहाँ पे क्या है वो बेसिकली आगरा से ही रिलेटेड है। सो जो था इसमें यही था इम्पोर्टेंट, और कुछ नहीं। स्कीम का नाम था इसलिए वाटर प्रोजेक्ट का नाम गंगा जल प्रोजेक्ट कहाँ लिए, किसने इनोग्रेट किया। इंडस फूड मेरिट 2019 जो है वो कहाँ पे हुई है, डेट इज इन इट वॉज हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा। ओके, किस किस ने ऑर्गेनाइज किया ये, द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। तो ऑर्गेनाइजर्स एंड द लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्टनर स्टेट इसमें उड़ीसा थी। इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस, सी पेंट कॉन्फ्रेंस, सो डेट वॉज इन हेल्ड इन आगरा। सो ये भी याद रखेंगे, पेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है, आगरा में। लोकेशन ही याद रखेंगे वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेंट कॉन्फ्रेंस 2019 कहाँ पे हुई थी या फिर किसने ऑर्गेनाइज की। तो ऑर्गेनाइज की थी इंडियन पेंट एसोसिएशन ने। थीम क्या था, पेंट्स पे चर्चा नए आयाम, पेंट्स पे चर्चा नए आयाम, डेट इज अ थीम। नेक्स्ट इज गांधीयन रिसर्जेंस समिट 2019, कहाँ हुई है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऑर्गेनाइज किसने की थी, परमार्थ निकेतन, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी। जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना इम्पोर्टेंट ये भी, तो जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि कहाँ पे हुई है बस, दैट इज इन प्रयागराज। प्रवासी भारतीय, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से लौट के इसी टाइम आए थे। ओके, इसलिए इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का थीम क्या है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। और इस बार के प्रेजेंस किस किस की थी, मतलब चीफ एज अ चीफ गेस्ट, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस मिस्टर प्रविंद जगनाथ एट वाराणसी उत्तर प्रदेश। सो हुई कहाँ पे है ये, वाराणसी के अंदर, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग की थी उसकी अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसके प्रवासी भारतीय दिवस के सेलिब्रेशन है उसका। सो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है दीनदयाल हस्तकला संकुल इन वाराणसी, तो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन हुआ है, इनोग्रेट किया है मोदी जी ने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो ये कब कहाँ से स्टार्ट किया है, डेट इज इन वाराणसी, क्योंकि इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वाराणसी के अंदर। फर्स्ट इंटरनेशनल भोजपुरी फेस्टिवल 2020।
तो कहाँ पे होगा सेलिब्रिटी? मॉरिशियस के अंदर। अब यहाँ पे कुछ पद्मश्री 2019 के जो अवार्डीज हैं उनके नेम है, तो ट्राई टू रिमेम्बर द नेम्स। श्रीकांत, श्री रजनीकांत सोशल वर्क, तो रजनीकांत जो एक्टर है उनके नाम से याद रख सकते हैं कि सोशल वर्क में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो रजनीकांत हैं। श्री हरि हीरा लाल यादव, तो आर्ट वोकल्स एंड फोक। श्री राम शरण वर्मा, अदर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर्स। एंड मिस प्रशांति सिंह इन स्पोर्ट्स एंड बास्केटबॉल। शादाब मोहम्मद मेडिसिन एंड मेडिसिन में डेंटिस्ट्री। ट्राई टू रिमेम्बर इफ यू कैन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दैट इज द ओनली वे टू रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ एग्जाम। फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब इन यूपी, तो पहली गोट फर्टिलिटी लैब कहाँ पे इनाग्रेट हुई है? दीनदयाल वेटनरी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर सेटअप की जाएगी फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब अंडर द योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ओके, बुंदेलखंड पूर्वांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, नॉट इम्पोर्टेंट एज मच। फ्रिगेट विलेज इन वाराणसी, तो फ्रिगेट विलेज कहाँ पे है? वाराणसी के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने ओपन किया है, एंड द रीजन की जो कार्गोज वगैरह है जो ट्रांसपोर्टेशन में हम इनलैंड वाटरवेज को भी यूज कर सके। तो जो इनलैंड वाटरवे वन है वो कहाँ से जा रहा है? हल्दिया टू वाराणसी। नेशनल इंडियन वाटरवे वन, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे वन, इनलैंड वाटरवे वन। सेकेंड डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो थर्ड रैंकिंग में सिद्धार्थ नगर आया है, दैट सिद्धार्थ नगर इज इन यूपी। चित्रकूट ये भी यूपी में है, फतेहपुर सोनभद्र, तो ये सबकी रैंकिंग है। तो जो सबसे टॉप मोस्ट है दैट इज द सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर को थर्ड रैंक मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लोकेशन इज नॉट मेंशनड हियर, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल इफ इट इज देयर, कि बता दिया कि किस दिन कहाँ किस लोकेशन पे बनाई जाएगी, तो डेट इज नॉट मेंशन हियर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रायबरेली, नॉट इम्पॉर्टेंट। रेल कोचेस के लिए याद रखेंगे, रायबरेली किसके लिए फेमस है सर? रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सीवरेज नेटवर्क इन प्रवाग्रह, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्पेशल कार्ड फॉर कुंभ मेला, तो पीएनबी कोलैबोरेट करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक स्पेशल कार्ड लॉन्च किया, पीएनबी रुपे कार्ड फॉर कुंभ मेला, जो स्पेशली कुंभ मेले के लिए था। इट एम टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ फॉर डिजिटलाइजेशन एट दिस एडिशन ऑफ कुंभ मेला फॉर कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री ट्रांजेक्शन फॉर द पार्टिसिपेटिंग 12 करोड़ डिवोटीज। एंड दैट प्रोडक्ट, जो ये कार्ड यूज किया गया है, दैट कैन बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, दैट इज स्पेशली फॉर दिस कुंभ मेला। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स, सो दैट वॉज हेल्ड इन आगरा, जस्ट रिमेंबर द लोकेशन। ऑर्गेनाइजर्स वाइल्ड लाइफ SOS, बियर केयर ग्रुप फ्रॉम US एंड कैनेडा, तो दे बोथ आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज रिनेमिंग ऑफ फैजाबाद इज अयोध्या, तो द नेम ऑफ द फैजाबाद इज चेंज एंड नाउ द नेम इज अयोध्या, तो पूछ सकते हैं पहला क्या नाम था इसका। सो नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान ये लॉन्च किया गया है फोरू, और इसे और क्या बोल सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कैंपियन। सशक्तिकरण मीन्स एम्पावरमेंट, इट एम्स टू एम्पावर वुमेन इन द स्टेट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, क्लीनिनेस एंड न्यूट्रिशन। फूड वैल्यू चेन स्टार्ट की गई है बनाने की। एकाना क्रिकेट स्टेडियम रीनेम्ड आफ्टर लेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, तो एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो लखनऊ में है डेट इज नाउ रिनेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से रिनेम कर दिया गया है। पहले एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा के अंदर, जो बेसिकली हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं पहले करंट में,
ये वाटर थेरेपी देगा एनिमल्स एलिफेंट्स को। ओके नेक्स्ट इज ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। तो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडाज आर सिलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन इट्स ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। ओके तो राम स्टैचू इन अयोध्या 221 मीटर लॉन्ग स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा इन अयोध्या बनाया जा रहा है वहाँ पे। नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस। 36 इंडियन कारपेट एक्सपो कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। कृषि कुंभ मैंने पूछा था, एग्रीकल्चर कुंभ कहाँ पे हुआ है? तो आंसर इज हेयर लखनऊ। फोर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन लखनऊ। नॉट इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है, ये सबको पता ही होगा। जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको एज ए स्टेट डिक्लेयर डिजास्टर बता दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगर मैन एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब कि अगर शेर या फिर लोगों के बीच में कोई झड़प या फिर हाथी के साथ कुछ भी लोगों से किसी की डेथ हो जाए, दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर दैट इज डिक्लेयर्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इंडिया फर्स्ट कंटेनर मूवमेंट, तो पेप्सिको का जो पेप्सिको इंडिया का जो कार्गो डेट मूव उसने मूव किया है कोलकाता टू वाराणसी ऑन गंगा रिवर, जो नेशनल इनलैंड वाटरवे हमारा वन है वाराणसी टू हल्दिया, उसमें कोलकाता से वाराणसी के लिए पेप्सिको इंडिया का जो कार्गो पहला कंटेनर है वो मूव किया था अक्टूबर में 2018। तो डेट इज इंपॉर्टेंट, किसका ये पूछ सकते हैं। और इसमें 2018 के न्यूज कवर हम इसलिए कर रहे हैं, द रीजन इज कि हमें लास्ट शायद अक्टूबर या दिसंबर नवंबर में एग्जाम होता है, तो उसके बाद सारा ही करंट करना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्थ वेलनेस एंड एम्पावरमेंट कहाँ पे हेल्ड हुई है? डेट इज इन डेट वॉज इन कानपुर उत्तर प्रदेश। कृष्णा कुतीर होम फॉर विडोज एट वृंदावन इन मथुरा। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हो। तो यूपी पुलिस ने लॉन्च किया डायल एफआईआर स्कीम, तो जस्ट डायल ई एफआईआर तरीके से जस्ट डायल और आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। पिंडारा ठाकुर विलेज अमेठी फुल्ली डिजिटल अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो नाम याद रखेंगे। यूपी में कौन सा विलेज है डेट इज फुल्ली डिजिटल? द नेम इज पिंडारा ठाकुर विलेज। हजरतगंज चौराया जो है लखनऊ का, डेट इज नाउ रिनेम्ड एज अटल चौक। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर खुलेगा अलीगढ़ में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट कहाँ हुई है? लखनऊ में। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम हो गया है चेंज हो गया अब अटल पथ। रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजीपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट इन मिर्जापुर। नेक्स्ट इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़, तो इट इज 340 किलोमीटर लॉन्ग डेट प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड गाजीपुर। नेक्स्ट यूपी डिफेंस एरोस्पेस यूनिट एम्पावरमेंट जनरेशन पॉलिसी 2018। नॉट मच इम्पोर्टेंट। सिक्स लेन ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगा एट फफामाऊ अलाहाबाद, तो लोकेशन याद रखेंगे। So that's all for the today's guys. So thank you guys and have a nice day. If you have any queries, you can mail us to our Gmail ID or a Telegram channel that is given in the description below. You can get the PDF of this file on our Telegram channel. Okay, so thank you.